मैं समझाता हूँ यहाँ क्या है कि पहले क्वेश्चन को समझो, क्या कहता है कि बार ग्राफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ प्रश्न, चार स्टूडेंट है ए बी सी डी, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में मार्क्स का जो है स्कोर दिया हुआ है, ठीक है। हाँ तो फिजिक्स का ब्लू कलर में है और केमिस्ट्री का रेड कलर में, मैथमेटिक्स का ग्रीन कलर में। तो कहता है इच स्टूडेंट रिसीव ए सेम टोटल मार्क्स, देन व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ देयर कंबाइनिंग मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट ओवर द कंबाइनिंग टोटल मार्क्स। तो सबका टोटल सेम ही है, 100% ही है, ठीक है। जी तो तुमको ये निकालना है कि इच स्टूडेंट रिसीव ए सेम टोटल मार्क्स, देन व्हाट इज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ देयर कंबाइंड मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट ओवर द कंबाइंड मार्क्स टोटल टोटल मार्क्स। अब देखो पहला पहला हम लोग फिजिक्स का ही लेते हैं, तो पहला कैंडिडेट में देखो यहाँ पर कितना है उसका परसेंटेज फिजिक्स में। नहीं सर, यहाँ जो है ना रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर टोटल मार्क्स निकालने हैं। मतलब यहाँ ए और सी का मैथमेटिक्स का टोटल मार्क्स का रेशियो दिया है 4:5। हाँ सो हमें निकालना है रेशियो ऑफ देयर टोटल मार्क्स, रेशियो ऑफ देयर टोटल मार्क्स कितना आएगा वो निकालना है, रेशियो टोटल मार्क ए और सी का। हाँ तो कैसे निकालोगे? देखो आपको ये हाँ आपको बोलो बोलो, इमेज नहीं दिख रही है क्या? क्लियर मैंने सेंड की। अभी सेंड किया हो ना एक ठो, तो हाँ राइट हाँ साइड में, राइट साइड नहीं दिख रहा हमें, लेफ्ट साइड तो दिख रहा है ये ग्राफ। ये नीचे वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आप देख सकते हो, मुझे बताओ और इफ द रेशियो ऑफ मार्क्स लिखा है नीचे से। ये तो नहीं दिख रहा है। नीचे वाला नहीं दिख रहा है क्या? वो जो बार ग्राफ जो है ना, उसके नीचे लिखा है इफ द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय ए एंड सी इन मैथमेटिक्स इज ये तो फोर इज नहीं टू दिख रहा फाइव है, ये नहीं दिख, देन व्हाट इज द रिस्पेक्टिव ये नहीं मार्क। दिख रहा तो नहीं, ये नहीं दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा मैं आपको है, फिर नहीं से ये भेजता नहीं हूँ, एक मिनट, दे फिर से भेजता हूँ आपको, एक मिनट। दो। ओके हाँ भेज दिया सर, आपको मिला क्या? हाँ ये नीचे वाला जो है ना, यह दिया है आधा आधा उसका। अच्छा, तो यहाँ लिखा इफ ईच स्टूडेंट रिसीव द सेम टोटल मार्क्स, देन व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ देयर कंबाइनिंग मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट ओवर द कंबाइनिंग टोटल मार्क्स। तो ये रेशियो नहीं निकालने बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उसका कंबाइनिंग मार्क्स निकालना है, ठीक है। हाँ तो ऐसे निकालेंगे, देखो अब स्क्रीन दिख रहा है तुमको, स्क्रीन नहीं सर देख रहा। दिख रहा है ये, दिख रहा हाँ आप देख रहे हैं। तो देखो पहला ये फिजिक्स में देखो ये कितना परसेंटेज है इसका, देखो तो यहाँ पर देखो ये है इसका 24%, हाँ 24%, ओके। और इसका देखो इसका कितना है, हाँ ये 24 है क्योंकि चार चार करके बढ़ रहा है, इसका कितना होगा, बी चार चार का, 8 16, थर्टी बी का फिजिक्स का 34 36 आएगा ना सर वो। सिक्स आएगा, ठीक है। और इसका आएगा 40, और इसका है 24, है ना। आप सबको जोड़ दो, 24 36 कितना हो जाएगा, 50 10 60, 60 60 100 124, ओके। तो 100 ये आ गया तुम्हारा 124, 124 जी
तीन सब्जेक्ट है, ठीक है, तीन से डिवाइड करोगे इसको कितना परसेंटेज आ जाएगा, 4.13 एवरेज परसेंटेज इतना आ गया, ठीक है। चार है, सॉरी फोर स्टूडेंट है ना, यहाँ फोर से डिवाइड करेंगे, यहाँ फोर से डिवाइड करोगे, चार स्टूडेंट है तो 4 × 3 = 12, 4 × 31 हो जाएगा, समझ गए बात को सुमित, समझ गए बात को? हाँ आवाज क्लियर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है तुम्हारी। 31 आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही हम तक, नेटवर्क इशू है क्या? हाँ थोड़ा सुनो। अच्छा मैं समझा देता हूँ 31 कैसे आया। तो 124 आएगा टोटल, अगर इसको सम करोगे तो सबको 24 + 36 + 40 + 24, ये चार सब्जेक्ट का है तो चार से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ये आएगा 124/4, इसको डिवाइड कर दोगे तो 31 आएगा, समझ गए? एवरेज समझ गया, ओके थैंक यू। ये फाइनल आंसर है क्या सर? हाँ नहीं है, पर ये में ऑप्शन में नहीं है सर। क्या क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन में रेशियो का दिया है सर, वो 16:25, 4:5, 15:22 ऐसे दिया है, तो ऐसे भी निकाल लेंगे हम लोग। जैसे देखो टोटल मार्क्स 124 लाया है तो 124 टोटल कितना होगा मार्क्स तीनों सब्जेक्ट मिला के? 124 तीनों सब्जेक्ट 300, ये 300 होगा ना जी? हाँ अब देखो ये 124 मार्क्स लाया है, जब टोटल उसका कितना है 100 मार्क्स, जी जी, तो 300 में इतना लाया तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या कहते हैं, सॉरी मैं रिमूव करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये टोटल सब सब्जेक्ट मिला के ये लाया है 124, तो 124 परसेंटेज लाया है, तो 24 हो गया तो 300 हो गया, कहता टोटल मार्क्स से कीजिए तो 300 बटे में करेंगे हम लोग अपॉन 300, तो इसका रेशियो निकालो कितना होगा, रेशियो इसको आधा करो, इसका आधा करोगे तो क्या होगा, 62 by 150, तो 62 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 150, नहीं हाँ। फिर करेंगे तो 31/75, क्या ऐसा ऑप्शन है? वो नहीं है सर, 32:45 है ऑप्शन में, ये पर ऑप्शन ऑप्शन मुझे बताओ मैं आंसर बताता। फर्स्ट है 16:25, सेकंड 32:45 और 4:5 और 15:25, क्या क्या है बोलो तो, ऑप्शन तुम्हें मैं भेज दो मुझे, इसमें ऑप्शन इसमें भेज दो,
ऐसा है। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ इच स्टूडेंट रिसीव द सेम टोटल मार्क्स, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के सबको 100 ही आना है, ठीक है, देन व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ देयर कंबाइनिंग मार्क्स इन हाँ एनी सब्जेक्ट सर, क्या करो ऑफ ऑल आप, मुझे ना फर्स्ट आप द। हाँ क्या करो, मुझे सॉल्यूशन दे दो फर्स्ट, क्योंकि 3 मिनट रहे हैं, 3 मिनट में एंड हो जाएगा मेरा अच्छा अच्छा एग्जाम, अच्छा तो ओके इसका सिर्फ सॉल्यूशन दीजिए मुझे, लिखे बताइए मत, सिर्फ सॉल्यूशन लिखिए और मुझे भेजिए स्क्रीनशॉट। ओके ओके तो हाँ, ऑप्शन नंबर आई थिंक 64%, 20%, उसका सी नंबर हो जाएगा। इसका जो है ना, इसका देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा, क्या 31% निकला है तो 4 64, और इसका करेंगे तो 4 20, क्या कहते हैं 20 20 जगह 80, और इसका करेंगे तो 20 5 5 75, इसका करेंगे तो 45 2 90 2 66, तो इसका क्या कहते हैं बी नंबर, ए नंबर दे दोगे, ठीक है जी, जी। सॉल्यूशन भेज दीजिए मुझे बाद में। हाँ हाँ ठीक है भेज दूंगा मैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट करते हैं, तो इसमें का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना हाँ ये मुश्किल है। एप्टीट्यूड का है, जय का सवाल नहीं है, ये एप्टीट्यूड का है, नहीं अच्छा, तो इसमें ऑप्शन का ही ना देना है। ऑप्शन दिए है शायद, वो थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, उसके थोड़ा अंधेरे में लेकर रहता है इमेज। अच्छा ठीक है मैं भेज दूंगा। जी ओके थैंक यू। थैंक यू।